दिल्ली के बॉर्डर एक बार फिर प्रदर्शनकारियों के चंगुल में होंगे। आम जनजीवन और यातायात एक बार फिर धरने के हत्थे चढ़ जाएगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रदर्शनकारी किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर रखा है और अब सिर्फ कुछ घंटों का समय है। नमस्कार, मैं हूं सपना शर्मा और आप देख रहे हैं रितम। पिछली बार 2020 और 2021 का कृषि बिल के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन याद ही होगा। आपको याद होगा कि कैसे दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों को बंद कर आम जनजीवन ठप करने की कोशिश की गई थी। किसानों का धरना प्रदर्शन इतना मुखर था कि नरेंद्र मोदी सरकार को तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ा था। 3 साल बाद आम चुनाव से ठीक पहले इन्हीं प्रदर्शनकारी यूनियन नेताओं ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों से प्रदर्शनकारी दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। इसको चलो दिल्ली मार्च का नाम दिया गया है। पंजाब के विभिन्न हिस्सों से ट्रैक्टर ट्रॉली के काफिले पहले ही निकल चुके हैं। प्रदर्शनकारियों की तैयारियों को देखते हुए केंद्र सरकार भी चौकस है। एक तरफ केंद्र के 3 मंत्री इन प्रदर्शन पर उतारू यूनियन के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। 11 फरवरी को पहले अमृतसर में बात हुई, 12 फरवरी को चंडीगढ़ में किसान नेताओं की मांग और उनके समाधान पर चर्चा हुई। बातचीत सकारात्मक जरूर रही, लेकिन प्रदर्शनकारी इसके बावजूद भी दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने की जिद पर अड़े हैं। पिछली बार से सबक लेकर इस बार पुलिस प्रशासन कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली में 12 फरवरी से 12 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगे दिल्ली के बॉर्डरों पर कंक्रीट के बैरिकेड्स, सड़क पर बिछाए जाने वाले नुकीले बैरिकेड्स और कंटीले तार लगाकर सीमाओं को किले में तब्दील कर दिया गया है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगी सीमाओं पर 5,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया है। साथ ही किसी भी प्रकार की रैली या जुलूस निकालने और सड़कों एवं मार्गों को अवरुद्ध करने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस के आदेश के मुताबिक ट्रैक्टर रैलियों राजधानी की सीमाओं को पार नहीं कर सकेंगे, इस पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। दिल्ली पुलिस टीकरी बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए निगरानी कर रही है। वहीं सिंघू बॉर्डर पर 3 लेयर सिक्योरिटी का प्लान बनाया गया है। बैरिकेटिंग के साथ साथ पूरे सिंघू बॉर्डर से लेकर मुकरवा चौक तक 16 किलोमीटर के रास्ते को 8 जोन में बांटा गया है। इसके साथ ही वाटर कैनन और वज्र वाहनों को तैनात किया गया है। वाहनों की आवाजाही में बाधा डालने के लिए घग्गर नदी के तल की खुदाई की गई है। डीसीपी उत्तर पूर्व जॉय तिर्की की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है, किसी को भी कानून व्यवस्था की स्थिति का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं हरियाणा सरकार की भी पूरी तैयारी है। सरकार की तरफ से 11 से 13 तक अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा समेत 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में अस्थायी जेल बनाई गई है। इन तैयारियों से साफ है कि प्रदर्शनकारियों को बॉर्डर पर ही रोके जाने की पूरी तैयारी है। अब आपके मन में ये सवाल तो उठ रहे होंगे कि आखिर किसानों के द्वारा दिल्ली कूच क्यों किया जा रहा है, उनकी मांग है क्या? तो आपको बता दें कि जब सरकार के द्वारा कृषि कानूनों को रद्द किया गया था तो उसके बाद किसानों ने भी अपना आंदोलन वापस ले लिया था। उस दौरान सरकार ने उन्हें MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने का वादा भी किया था। इसके साथ ही उनकी कुछ और मांगों को भी पूरा करने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक वो मांगे पूरी नहीं हुई हैं, जिसके चलते किसान चलो दिल्ली मार्च निकालने जा रहे हैं। वहीं ऑल इंडिया किसान सभा ने भी किसानों के आंदोलन से फिलहाल दूरी बनाई हुई है, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें तमाम किसान और मजदूर पूरे दिन हड़ताल और काम बंद करेंगे। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का घेराव किया जाएगा और हाईवे बंद किए जाएंगे। अब ये दिल्ली कूच का काफिला कितनी दूर तक निकलता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसके चलते दिल्ली और आसपास के आम जनजीवन ट्रैफिक रोक और डायवर्जन के चलते पहले ही अस्त व्यस्त हो चुके हैं और प्रदर्शनकारी यहाँ तक आ पहुंचे तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इस बीच सवाल इस धरने प्रदर्शन की टाइमिंग को लेकर भी उठ रहे हैं। आम चुनावों से ठीक पहले ही क्यों?
जवाब प्रदर्शनकारी नेताओं की भाषा में आपको मिल ही जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।